हाय दोस्तों, ये वीडियो एक प्रॉपर स्कैम वाला वीडियो है जो कि अभी हाल ही फिलहाल मेरे साथ हो रहा है और मैं आपके साथ बताता हूँ कि क्या क्या सीन हुआ है, प्रॉपर बताता हूँ और आप इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा बिकॉज कल को आपके साथ ना हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके दोस्तों को भी ना हो जाए तो उनको प्लीज़ शेयर करना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्या क्या स्कैम हो रहा है और कैसे हुआ है, तो प्रॉपर बताता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। आज सुबह की बात है दोस्तों, मैं सो के उठा और मेरे पास एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया, लाइक ऐसे मैसेज आया और मैंने ये मैसेज देखा, मैंने कहा ठीक है कोई अननोन नंबर आया है, मैं इसको सुन लेता हूँ क्या है। तो ओपन करते ही मेरे पास कुछ ये ऑडियो आया जो कि आपको सुनाता हूँ थोड़ी देर के बाद, और ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग है जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स बिल्कुल मुझे फ्री में मिलने वाला है, बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, इन्होंने ये ऐसा बोला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ्री मिलने वाला है, क्या क्या क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें ए टू जेड बताता हूँ। मैं लेके चलता हूँ दोस्तों अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड पे और आपको दिखाता हूँ कैसा है स्कैम ये तरीका। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप और ये नंबर है जो कि मुझे मैसेज आया है, देखिए ये आपको नंबर से हो रहा है, इसी नंबर से मुझे मैसेज आया था मॉर्निंग में और टाइमिंग भी आप देख सकते हो 9:44 पे मैसेज आ रहा है और आज का टाइमिंग है। तो देखो आज का है और यहाँ पे कुछ इसके ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग मिला हुआ है जो कि सुनते हैं, क्योंकि मैंने सुना तो मैं भाई चौंक गया कि मुझे भी आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल सकता है वो भी फ्री में। तो सुनो क्या क्या लिखा जी। अस्सलाम वालेकुम, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से बात कर रहा हूँ। देखिए आपने अभी एक एड हमें शेयर किया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे आपने हमें फॉलो किया हुआ है। हमारी एक बेस्ट ऑफर चल रही है स्पेशली इंडियन भाइयों के लिए, जिसमें हम 1000 आईफोन और 1000 आईपैड जो है वो लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपका जो नंबर है, आपका जो नाम है, वो हमारी फॉलोइंग लिस्ट में है, तो इसलिए हम आपको एक आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है वो जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से गिफ्ट कर रहे हैं। आपको और आपकी फैमिली को कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो। आपके ये जो टोटल गिफ्ट्स हैं ये मुंबई कोरियर हेड ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, तो मैं आपको कोरियर हेड ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा हूँ आपकी व्हाट्सएप पे। आपने उस नंबर पे अभी कॉल लगानी है, अपने व्हाट्सएप से कॉल करके आपने उनको बोलना है कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो आपके पास पार्सल्स आए हैं उसमें जो बॉक्स नंबर। दोस्तों इस बंदे ने मुझे प्रॉपर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्रॉपर सेंड कर दिया है और ये बंदा दुबई का नहीं है, वो इंडिया में बैठा हुआ है, वो भी नोएडा में बंदा बैठ के पूरा ऑपरेट कर रहा है। इसको लगता है कि हम पागल बैठे हैं जो कि हम इसकी बातों में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा और बताता हूँ क्या सीन हुआ है। मैंने इसके साथ कॉलिंग पे बात हुआ, इसने कॉलिंग सिंपल कॉलिंग नहीं करा, इसने व्हाट्सअप कॉलिंग किया, मैंने भी व्हाट्सअप कॉलिंग में। अब आपको पता है कि व्हाट्सअप कॉलिंग में रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप रिकॉर्डिंग कर लिया है जो कि दूसरे कॉलिंग में था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब दोस्तों और चीज़ें इसके इंटरेस्टिंग बताता हूँ। इस बंदे ने बोला दोस्तों कि जिम इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक बंदा है जो कि आपको आईफोन 14 प्रो मैक्स और एक स्मार्ट वॉच भी आपको गिफ्ट में कर रहा है, और आपको लेने के लिए आपको मुंबई के जो कि कस्टम डिपार्टमेंट से बात करना पड़ेगा और वो नंबर आपको दे दिया गया है। और इस ऑडियो में आपको मिल रहा है एक बोल रहा है कि आपको जो लकी ड्रॉ नंबर है वो 8 है। तो भाई ये कुछ ज़्यादा हो गया ऊपर। अब मेन पॉइंट बताता हूँ कि जिम इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है। तो देखो दुबई में एक बंदा है जो कि ये सब सेल करता है, बट मैंने इससे पहले कभी इसकी वीडियो देखी है, इंस्टा पे देखी है, बट कभी आज तक इसको फॉलो नहीं किया। मैंने इन पर बहुत ही कम देखा है, इक्का दुक्का इसकी वीडियो देखा है जो कि फ़ोन फर्श पे फेंक देता है, टूटता नहीं है ऐसे कहते हैं, बट मैंने इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे इसके वीडियो पे, तो मैं देखता ही नहीं हूँ। और फॉलो की तो बात अलग ही, यार मैं फॉलो क्यों करूँगा जब मैं वीडियो नहीं देखता हूँ। तो बात ये समझो कि ये पूरा स्कैम चला रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया मेरे साथ, इन्होंने कहा कि आपको एक व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उस पर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करना है। आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांग रहे हैं, मेरा एक तो फेस का फोटो मांग रहे हैं और एक प्रॉपर एक एड्रेस मांग रहे हैं। अब मैंने वो भी दे दिया, मैंने कहा चलो अब एड्रेस फोटो से तो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अकाउंट भी चाहिए ना, तो प्रॉपर दे दिया। अब इनकी आवाज़ सुनो, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही सर? जी जी बोलो। दोबारा बताइए सर क्या क्या भेजना होगा मुझे। अपने घर का मुकम्मल ड्रेस भेजो, फोटो भेजो अपना। ओके मैं अभी भेज देता हूँ। और कब तक मुझे मिल जाएगा भाई ये? मेरे प्यारे भाई 5-6 घंटों के अंदर अंदर आपका डिलीवरी आपके घर पे पहुँचेगा, ठीक है? भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ और आप कह रहे हो मुंबई में है, तो मेरे प्यारे भाई हमारा जिला बना होता है ना, आपके जिला में हमारा लोग होता है। अच्छा वहाँ पे आप, ओके ओके ठीक है जी, ठीक है जी। घर का मुकम्मल भैया ड्रेस भेजो, अपना फोटो भेजो, भेज के व्हाट्सएप पे कॉल करो। ठीक है जी, भेजता हूँ अभी आपको भेजता हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है जी? ठीक है भैया, ओके।
तो आवाज़ सुना दोस्तों, इस तरह का आवाज़ है जो कि ठीक है। इसने पूरा बताया कि हाँ हम दे देंगे। मैंने बोला कि भाई इसमें कोई पैसे का तो डिमांड नहीं है ना, कह रहा कि नहीं भाई मैं वीडियो सेंड करता हूँ जो कि अदर बंदों को मैं हमने दिया है गिफ्ट में, तो आप भी देख सकते हो। मैंने कहा ठीक है यार चल। कहते हैं इस आईडी की दोस्तों, बात करते हैं इस व्हाट्सएप के प्रोफाइल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक इस तरह को आपको इंटरफेस मिलता है। मैं दोस्तों नोएडा में हमेशा जाता रहता हूँ और वहाँ पे मुझे पता है कि कौन कौन सी बिल्डिंगें बन रही है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये देखो आपको ध्यान से दिख रहा है, तो ये बंदा इंडिया में बैठ के ऑपरेट कर रहा है, और प्रॉपर बताता हूँ कि क्या क्या सीन हो रहा है। अब दोस्तों उसने क्या किया कि मुझे बोला कि मुझे ना कॉल करने के लिए, तो मैंने अब दोस्तों मैंने क्या करा कि इसका मैंने बोला कि नंबर दो भाई तो मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे कॉल में लिखा हुआ है, मैंने कॉल किया। सिंपली इसने बोला कि इस नंबर पर मुझे कॉल करो, इस नंबर पे जो ये नंबर है ना इसको मैं ऑन करता हूँ, और ये देखो मैं अलाउ कर देता हूँ। प्रॉपर आपको दिखाता हूँ क्या क्या हुआ। इसी बंदे के साथ मैंने बात किया था, कुछ ज़्यादा ही बात हो गया था इससे, और प्रॉपर में बात हुआ, और इस बंदे का मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ कौन सी ऑडियो है। और ये है मेरा एड्रेस और यहाँ पे मेरा फोटो है। तो भाई ये तो मैंने बता दिया, अब मेन पॉइंट की बात बताया जाए कि इसमें और क्या दिक्कत था। दोस्तों ये जो स्कैम है ना बहुत तगड़ा चल रहा है, और ये बंदा बोल रहा है कि मैं दुबई में हूँ और दुबई से मैं आपको बात कर रहा हूँ। इस बंदे ने दोस्तों नोएडा का फोटो क्लिक करके अपने डीपी में लगा लिया, और ये मुझे बोल रहा है कि मैं दुबई में बैठा हूँ और मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, दुबई से इंडिया में भेजा हूँ, और आप इसको मंगवा लेना। अब मेन पॉइंट की और बात बताता हूँ। इस बंदे ने फोन किया मुझे कि भाई आपका फोन आ गया है, अब वो कस्टम वाले ना 5,000 रुपये के डिमांड कर रहे हैं। अब 5,000 रुपये दोगे तब आपका आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल जाएगा, प्लस में एक एप्पल का अल्ट्रा स्मार्ट वॉच भी मिल जाएगा जो कि कॉपी, इसने बोल दिया कि कॉपी स्मार्ट वॉच है बट फोन ओरिजिनल है। 1 TB का स्टोरेज है दोस्तों, आईफोन 14 प्रो मैक्स 1 TB का स्टोरेज, जो कि देख रहे हो कितनी बड़ा बात है यार, मुझे फ्री में मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई 5,000 तो बहुत कम ज़्यादा है, 5,000 तो नहीं दे पाऊंगा, बट आईफोन जैसे ही मेरे पास आया ना मैं उसको 5,000 की जगह 10,000 दे दूंगा। बंदा बोल रहा क्या, नहीं भाई नहीं, अकड़ में बात कर रहा है। एक तो पहले तो प्यार से बात कर रहा है, भाई साहब ऐसे बोल रहा है, उसके बाद नमस्ते करने लगा, फिर बोल रहा कि भाई साहब ऐसे हो जाएगा मुझे रिक्वेस्ट करने लगा, जब वो नहीं पता कि बेटा मैं बहुत तेज बंदा हूँ। तो क्या कर रहा है अब वो बंदा, मुझे बार बार इरिटेट करके बोल रहा है कि भाई साहब ये हो जाएगा, आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा, मुझे पता है। मुझे ना ये बता रहा है कि मुझे दोस्तों ये ट्रस्ट दिला रहा है कि मैं बिल्कुल जेन्युइन बंदा हूँ। बट अब ये नवाजे की और पॉइंट बताता हूँ। मैंने बोला चल ठीक है अपना अकाउंट नंबर दे दे मैं भेज देता हूँ। इस बंदे ने अकाउंट नंबर क्या बोला, ये जो नंबर है ये मेरा UPI ID है और UPI से मेरे पेमेंट करो। मैंने कहा UPI से तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आप अपना बैंक अकाउंट दो, क्योंकि मैं बैंक टू बैंक करूँगा ताकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, UPI से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो बंदा कह रहा है नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा भाई तो फिर मैं भी पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, बाय बाय। अब वो बंदा गाली देने लगा, कह रहा है कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई तुझे एक बात था, पैसे ले रहा है तो गाली दे रहा है, पहले तो गाली दे मत पहले। तो फिर थोड़ा सा मैंने भी स्टार्ट कर लिया गाली, तो आपको पता है कि हम भी तेज बंदे हैं, तो हमने भी गाली स्टार्ट कर दिया। अब वो बंदे फिर मैंने फ़ोन कट कर दिया। तो ये सीन चल रहा है जो कि अभी ये ट्रैप ना आपको मिनिमम 5,000 का डिमांड ले रहे हैं। अब क्या करना, सीन क्या है, आप जैसे UPI ID से इनका पेमेंट करोगे ना सारी डिटेल उसके पास पहुंच जाएगा, अब वो बंदा आपके अकाउंट खाली कर सकता है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल भी आपको केयर करना है, या आईफोन 15 या कोई भी आपको लालच दे, कोई किसी भी चीज़ का लालच दे, तो बिल्कुल भी इस ट्रैप पे नहीं फंसना, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। रिसेंटली दोस्तों मेरे सिस्टर के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसने ऑर्डर कोई भी नहीं किया, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं किया, तब भी उसके पास आया कि भाई ये आपका ऑर्डर है OTP बताओ, जबकि उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। मुझे फ़ोन करी तो मैंने बोला कि मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, हमने हिस्ट्री तक चेक करा एक भी ऑर्डर नहीं था। तो बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, तो भाई ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अवेयर करने के लिए वीडियो मकसद था, क्योंकि ये चीज़ें मार्केट में धड़ल्ले से चल रहा है और आने वाले टाइम में और भी चल सकता है। तो इसके लिए आपको केयर होना चाहिए, कोई भी डिटेल बिना जानकारी का बिल्कुल शेयर मत करो, अपने ID कार्ड कुछ भी शेयर मत करो, ये सब चोर चकारे हैं, तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना। और आपको सतर्क रहना है, बिकॉज आपका अकाउंट में पैसा है ना, तो बिल्कुल सतर्क रहना है। आपको दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करना, और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ केयर रहना यार।